देशातील तपास यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग सिस्टीम सुरू करणार असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी दिली. काँग्रेसच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पुणे दौऱ्यावर आले असताना सिंग यांनी ही माहिती दिली. यावेळी शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष अभय छाजेड, समन्वय समिती अध्यक्ष शरद रणपिसे, आमदार विनायक निमण आदी मान्यवर उपस्थित होते. देशातील गुन्ह्यांचा तपास प्रभावीपणे करण्यासाठी CCTNS या यंत्रणेचा मोठा उपयोग होणार असून दहशतवादी कृत्यांना आळा घालण्यासाठी ही यंत्रणा सक्षम ठरेल असा विश्वास व्यक्त करून सिंग म्हणाले, या यंत्रणेसाठी सुमारे 3.5 ते 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असून देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा निर्धार केला आहे. या यंत्रणेने देशातील 15,500 पोलीस ठाणी जोडली जाणार असून अन्य तपास यंत्रणाही त्याद्वारे जोडल्या जातील. सध्या या यंत्रणेच्या प्रशिक्षणाचे काम सुरू असून 2 वर्षात ही यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होईल असा दावाही सिंग यांनी यावेळी केला. जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटाचा तपास विशेष तपास यंत्रणेमार्फत सुरू असून लवकरच या गुन्ह्याच्या मुळापर्यंत जाण्यात यश येईल असा विश्वासही सिंग यांनी व्यक्त केला. प्रतिकूल परिस्थितीतही शहर काँग्रेसचे कार्य जोमाने सुरू असल्याचे सांगून त्यांनी शहर पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचे कौतुक केले. खासदार सुरेश कलमाडी हे सध्या तिहार तुरुंगात असून त्यांना जामीन मिळाल्यास त्यांचे निलंबन रद्द करणार का या प्रश्नावर उत्तर देताना सिंग म्हणाले, कलमाडींवर न्यायालयात खटला सुरू आहे, न्यायाच्या निर्णयानंतर यावर विचार करण्यात येतील. त्यांच्या जामिनासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि काँग्रेसच्या वतीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत का याबाबत कलमाडींचा जामीन हा गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत नाही, काँग्रेसलाही तो अधिकार नाही असे सिंग यांनी स्पष्ट केले. NIA इसकी जांच कर रहा है और मुझे अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है मुंबई में उसका NIA को उसका कार्यभार दिया गया है रिसेंटली और मुझे उम्मीद है कि जो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बॉम्ब ब्लास्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनी हुई है वो जरूर नतीजे निकाल के आएगी और आज जरूरत सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि ऐसा ना हो और हमारी इंटेलिजेंस किस तरह से मजबूत हो. इसीलिए CCTNS जैसे नई योजनाएं भारत सरकार हर स्टेट को दे रही है. काम जारी है CCTNS का, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 साल में CCTNS हर पुलिस स्टेशन इस पूरे देश के अंदर हर पुलिस स्टेशन पर लागू हो पाएगा. देखिए उसके बारे में अब जो कुछ वेदों की बातें जो लोग करते हैं मैं उसका मानता हूं कि मैं उसका जवाब नहीं दूं. राहुल जी आज इस देश के युवाओं की धड़कन है. युवाओं के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो राहुल गांधी जी सोच रहे हैं और खास तौर से युवा कांग्रेस के अंदर जिस तरह से युवाओं को आगे बढ़ने का एक मौका मिला है वही एक सबसे बहुत बहुत बड़ी बात है. नहीं मेरा मैं ये उसमें ये कहना चाहूंगा कि आज जो राज्य मजबूत है, राज्य खुशहाल है और जो राज्य के अंदर आर्थिक हालत खराब है उसकी सबसे बड़ी उसके अंदर जो फर्क आता है वो आता है अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी का. क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी कारोबार नहीं है, कोई भी आज एम्प्लॉयमेंट का साधन नहीं है वहां. इसीलिए वहां के जो युवा हैं वो आज भटक रहे हैं, दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और एक तरह से BA और MA करे हुए लड़के भी आज एक तरह से बहुत ही कम श्रेणी की नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं. देखिए मैं जो राज ठाकरे जी और जो ठाकरे साहब कहते हैं उनका जवाब मैं नहीं देना चाहूंगा क्योंकि एक तरह से जो सवाल करते हैं हर बात करते हैं वो मुझे कम से कम समझ में नहीं आता है उनका क्या मतलब है. सस्पेंशन चल रहा है, जो भी उसके ऊपर आगे कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके ऊपर जो वर्डिक्ट आएगा उसके बाद ही पार्टी भी उस पर कार्य करेगी है ना. महाराज मैं थोड़ा सा आज लेट हो जाऊंगा, मेरी फ्लाइट ये रह जाएगी फिर आप मुझे नहीं, वो बहुत गलत बात है वो मेरे